रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार में हुई I-20 कार और स्कूटी की भिड़ंत के मामले में पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि रुद्रपुर कोतवाल विक्रम राठौर और CO सिटी अभय प्रताप सिंह ने आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों एक स्कूटी और I-20 कार की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद कार में सवार मनीष चौधरी के द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी। इस दौरान व्यापारी की पत्नी भी साथ में मौजूद थी। वहीं व्यापारी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी मनीष चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जिस कार में मनीष चौधरी सवार था, जिसकी भिड़ंत स्कूटी से हुई थी, उस गाड़ी I-20 कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा रुद्रपुर CO सिटी अभय प्रताप सिंह ने, सुनिए। मार्च 2022 की घटना है, रात करीब 9 बजे। मीना अरोड़ा जी हैं जो अपने पति वरुण अरोड़ा के साथ स्कूटी से जा रही थी। इसी बीच में एक I-20 वाहन जो बैक हो रहे थे तो दोनों गाड़ियों में टच हो गए। इसमें उसका जो ड्राइवर था मनीष चौधरी, उन्होंने निकल करके और हाकी से इनकी गाड़ी को मारी और इनका ये कहना था कि इनके साथ अभद्रता करी। और इसमें वीडियो बनी थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। करने के बाद इस अभियुक्त की जो कि उत्तर प्रदेश डिबडिबा का रहने वाला, इसकी आज अरेस्टिंग की गई है। पूर्व में हमने इसमें 341 और 504 IBC में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज इसमें 323, 354, 506 और 427 IPC की बढ़ोतरी करके अरेस्टिंग करी है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया है। गाड़ी बरामद करने के बाद इस गाड़ी में ये लोग, बिल्कुल इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है। I-20 गाड़ी जिसका घटना में प्रयोग हुआ था वो वाहन और ये अभियुक्त दोनों आज गाड़ी भी बरामद करी गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया।